बताने जा रहे हैं आम का अचार, बिल्कुल वैसा ही जैसा दादी नानियां बनाया करती थी और बड़ी बड़ी बर्नियों में भरकर रखा करती थी। आम का अचार बनाने के लिए आम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें रेशेदार व गुदेदार आमों की जरूरत है। चलिए अचार बनाते हैं। अब आम को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे सरोते की सहायता से और बीजों को अलग कर लेंगे। सरोते का इस्तेमाल करने से हमारा अचार खराब नहीं होता है। पारंपरिक तरीके से अचार गुठलियों को निकाल कर बीच में मसाला भरकर बनाया जाता था। अब सुविधा की दृष्टि से हम इसे ऐसे काट लेंगे। ये 2 केजी आम के टुकड़े हैं। 2 केजी आम का अचार बनाने के लिए हमें लगभग 1/2 केजी मसाले की जरूरत है। मसालों के लिए मैंने लिया है पीली सरसों 100 ग्राम, सरसों 100 ग्राम, करायर, अजवाइन, सौंफ सब 1 टेबल स्पून है, मेथी दाना 2 टेबल स्पून, हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहता है तब अचार खराब नहीं होता, लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। अब आम को इस तरीके से धूप में फैला लेंगे जिससे इसका पानी सूख जाए और हमारा अचार अच्छा रहे। ध्यान रहे मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और धूप में सूखने के बाद ये अपना सल्क अपने आप छोड़ने लगते हैं। चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। अब कढ़ाई गर्म करेंगे और मसालों को हल्का हल्का खुशबू आते तक भून लेंगे। पहले सरसों को भून लेते हैं। अब सरसों के दाने चिटकने लगे हैं और हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मेथी का दाना भून लेंगे। सौंफ डालेंगे, अजवाइन पाचक का भी काम करता है, अचार केवल स्वाद के लिए नहीं पाचन के लिए भी होता है, करायर इससे अचार खराब नहीं होता, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब सरसों की दाल भी भून लेंगे। अब इससे खुशबू आने लगी है, आंच को बंद कर लेंगे। अब इन मसालों को हल्का दरदरा कूट लेंगे। इसके लिए हम मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसाला दरदरा कूट लिया है, इसे बाहर निकाल लेंगे प्लास्टिक की टोकरी में। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, थोड़े से साबुत मसाले और ये लहसुन सबको मिक्स कर लेंगे। ये सरसों का तेल है जिसे मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है, इसे मसाले में मिक्स करेंगे। अब आम के टुकड़े मिक्स कर लेंगे। आम को 1/2 घंटे की तेज धूप दिखाना पर्याप्त होगा। अब इसे डिब्बे में भर लेंगे और इसे हर 2 दिन में हिलाते रहेंगे। ऐसा हमें 15 डेज तक करना है। इस तरीके से बनाए हुए अचार में हमें दादी और नानी के हाथों का स्वाद मिलता है और यह कभी खराब नहीं होता, काफी स्वादिष्ट होता है। आजकल अचार के मसाले पैकेट्स में मिलने लगे हैं जिसे बनाना काफी आसान होता है। इसमें हमें केवल सरसों के दाने भूनकर मिक्स करना है और तेल डालना है। इसके लिए मैंने आम 2 किलो लिया है जिसे इसमें मिक्स करेंगे, तेल डालेंगे। पैकेट में मिलने वाले मसाले अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं उसमें, जो हमारे टेस्ट बड को बढ़ा देते हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो कुछ अचार हम इस तरीके से भी बनाएंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी डिब्बा बंद कर लेंगे। ये अचार भी काफी सालों तक खराब नहीं होता। छत्तीसगढ़ में अचार को अथान भी कहते हैं। अब इन्हें रूम टेम्परेचर में रखना है, धूप नहीं दिखाना है। रसोई घर गर्म जगह है इसलिए वहां छोड़कर कहीं और रखें और बाद में जब अचार खाने लायक हो जाए तब छोटे डिब्बे में स्टोर करके रसोई घर में रखें। अचार के मसाले से मैंने करेले की भरवा सब्जी भी बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
इस अचार में काली मिर्च 1 टेबल स्पून रोस्ट करके साबुत डाल दें। मैं इस वीडियो में नहीं बतला पाई हूँ, अचार को पेंट की बाल्टी में स्टोर करके रखने से इसे बीच बीच में हिलाना आसान होता है। इसके लिए बाल्टी पूरी तरह साफ, हाइजीन और स्मेल फ्री होनी चाहिए। पेंट की बाल्टी हाइजीनिक बनाने के लिए इसे धोकर कुछ दिन धूप में रख दें, जिससे स्मेल चला जाएगा, और कुछ महीने दैनिक कार्यों में उपयोग करें, जैसे कपड़े धोना। पूरा साफ होने के बाद ही इसका उपयोग हर बार अचार रखने के लिए कर सकते हैं। इस अचार को मैंने इसी बाल्टी में रखकर बनाया है, और इसी बाल्टी में मैंने 15 डेज पहले इसे बनाया था, जिसे मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।